हेलो एच डी एस एडवेंटिक में आप लोगों का स्वागत है। मेरी लास्ट कम्युनिटी पोल में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, बैंगलोर की पीजी की खाना, मेरे ऑफिस कैंपस की वीडियो या मेरे न्यू पीजी की वीडियो जो कि नॉर्थ गेट के पास है येलंका एरिया में। 44% लोगों ने पीजी फूड के ऊपर रिव्यू करने को बोला है। उससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि इस वीडियो में जितने भी फूड आइटम दिखाऊंगा वो सिर्फ मेरी करेंट पीजी के ऊपर ही नहीं है, बैंगलोर में मेरी फर्स्ट पीजी जो विप्रो कोडिथी कैंपस के पास था उस पीजी का भी फूड आइटम इंक्लूडेड है। अगर किसी एक पीजी की इन्फॉर्मेशन दूंगा तो थोड़ा बायस वीडियो हो जाएगा। बाय द वे, इफ यू आर लिविंग और प्लानिंग टू स्टे नियर विप्रो कोडिथी कैंपस और सरजापुर विप्रो कैंपस, देन यू मे कंसीडर दिस पीजी। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अभी सीधा चलते हैं फूड आइटम्स की तरफ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की आइटम्स मैं एक एक करके बताऊंगा। ब्रेकफास्ट में सबसे कॉमन आइटम है इडली डोसा विद कोकोनट चटनी। मैंने कभी भी आज तक नहीं सुना कि इडली डोसा खाके किसी का पेट खराब हुआ है। बहुत ही बढ़िया बनता है यहाँ और ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। सिर्फ बैंगलोर में नहीं, पूरे इंडिया में ही साउथ इंडियन जो ब्रेकफास्ट होता है इडली डोसा वो सबसे बेस्ट होता है। फिर आता है वरना या वड़ा या पकौड़े टाइप का डिश है ये। बहुत ही ऑयली होता है, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता है। नॉर्मली कोकोनट चटनी के साथ इसे खाया जाता है। किसी किसी दिन ब्रेकफास्ट में वेज सूजी मिलता है जिसको आप उपमा भी बोल सकते हो। कैरेट, करी लीफ, बीन्स, टोमेटो के साथ ये सूजी आता है कोकोनट चटनी के साथ, अच्छा टेस्ट आता है। ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन डिशेस की कोटा खत्म होता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट में अगर नॉर्थ इंडियन आइटम्स की बात करें तो पराठा मिलता है, उसके साथ आलू की करी मिलता है और आलू की करी में टमाटर, मटर, छोले ये सब ऐड रहता है। मैं जिस पीजी में अभी रह रहा हूँ उस पीजी में वेडनेसडे को कुछ डिफरेंट सा आइटम होता है। इधर पूरी होता है जिसको बंगाली में कहते हैं लुची और उसके साथ आलू करी होता है और खाने में ठीक ठाक होता है। और सेम ब्रेकफास्ट में कभी कभी चीरा पुलाव भी मिलता है करी लीव्स और पीनट के साथ। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कभी कभी वेडनेसडे को चाउमिन मिलता है और ये चाउमिन या पुलाव बहुत ही कम पीजी में मिलता है। अब अगर लंच की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, राइस और डिफरेंट टाइप की दाल या सांबर मिलता है, लेकिन दाल में बहुत सारे वेजिटेबल्स रहता है, टेस्ट कुछ खास नहीं होता है। ऐसे बहुत बार हुआ है कि दाल में करी लीफ और टमराइंड ज़्यादा होने की वजह से लोग खा नहीं पाता है। मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलिग्स के साथ भी बात करके देखा है कि वो लोग भी जो डिफरेंट पीजीस में रह रहे हैं उनसे भी सेम कंप्लेंट आता है। लंच के टाइम मैक्सिमम टाइम पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो ऑफिस में ही रहता है, ऑफिस के कैंटीन से खा लेता है, इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देता या ठीक से नहीं बनाता है लंच। अगर आप डिनर की बात करें तो रात में राइस और रोटी दोनों मिलता है, वो आपकी मर्जी है, आप चावल या रोटी दोनों एक साथ ले सकते हैं या सिर्फ चावल या सिर्फ रोटी ले सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साथ एक दाल आइटम होता है और एक सब्जी होता है। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जा सकता है कि खाना लिमिटेड है या नहीं, मतलब अगर मुझे चार रोटी की जगह छह रोटी लेना है तो क्या मैं ले सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल ही लिमिटेड नहीं है, आप जितना चाहे ले सकते हो। लेकिन जैसे वेडनेसडे को एक आइटम मिलता है, उस एक आइटम में सबको एक ही एग मिलता है, आपको दो एग नहीं मिलने वाला। ठीक सेम तरीके संडे को डिनर पे जब चिकन मिलता है तो एक बोल में रखा जाता है, सबके लिए अलग अलग बोल होता है, तो उस बोल में जितना चिकन है उतना ही आपको मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चिकन आपको नहीं मिलेगा। रोटी, राइस और करी तो है ही, पर उसके साथ कभी कभी पापड़ भी मिलता है। ये जो आइटम आप लोग देख रहे हो ये सेवैया है, मीठा से पायस होता है, याला राइस है और ये बटर मिल्क है। साउथ के लोग बटर मिल्क प्रेफर करते हैं, खाने के बाद डाइजेशन में हेल्प होता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये रायता है, पर नहीं, ये बटर मिल्क है जिसमें ऑनियन और क्यूकम्बर के छोटे छोटे पीसेस है। हमारा नेक्स्ट आइटम है लेमन राइस, खाने में थोड़ा खट्टा है, लोकल शॉप में भी काफी फेमस है ये लेमन राइस, तो 45-50 रुपीज में बाहर से भी मिल जाता है। अब नॉन वेज आइटम की बात करें, नेक्स्ट आइटम है एग फ्राइड राइस। कुछ कुछ पीजी में फ्राइडे को एग आइटम प्रोवाइड करता है, लेकिन होल एग नहीं, एग फ्राइड राइस ही प्रोवाइड करता है। स्पेशली संडे की बात करें तो फर्स्ट टाइम जब मैं इस नए पीजी में आया था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार ये जो लेमन राइस है या वेजिटेबल राइस है उसके साथ ये पकौड़े क्यों मिल रहा है, चिकन के पकौड़े क्यों मिल रहा है। पर नेक्स्ट वीक हमें एज यूजुअल चिकन करी मिला जिसमें भी करी पत्ता और टमराइंड था थोड़ा। फर्स्ट पीजी में कभी कभी मुझे ऐसे रियलाइज होता था कि चिकन में भी बहुत ज्यादा इमली डाल चुका है ये लोग, बट बोलने के बाद थोड़ा इम्प्रूव किया था। बैंगलोर में ऑलमोस्ट हर पीजी पे ही आपको इस तरह के आइटम थोड़ा बहुत 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत यही सभी आइटम आपको खाने को मिलेगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन दे रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। लास्ट अपडेट के लिए आप DS Adventy के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।